हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी है। मैं एसकेजीटी में पढ़ाता हूँ। एसकेजीटी इज एन आइडल प्लेस टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। एसकेजीटी में 11th, 12th, कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। कि नहीं तू चलो स्टार्ट कर रहे मैथ्स PS3 स्टैंडर्ड 6 क्विक रिवीजन कर रहे हम लोग PS3। अभी ये तो कल ही एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में रहेगा, कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, ये कैसे बनाना है ये बताया था, फिर ये कैसे बनाना है ये भी बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग PS3 स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूज द कंपास द रूलर टू बाइसेक्ट देम। तो उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना मैंने कल भी बताया था उसको, मतलब आधा कैसे ड्रॉ करके दिखाना है वो। इसके अंदर ऐसा कुछ बोला नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना सेंटीमीटर लेना है, क्या सेंटीमीटर लेना है। तो पहला मैं तुमको समझाता कि शुरुआत कैसे करना है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले बेस वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन ऐसा कि ये बना लो, ये लाइन सीधा बनेगा मेरे हाथ से, अभी कैसे कि स्केल से नहीं बना रहा हूँ ना इसके लिए। तो ये पहला बेस लाइन बनाओ, फिर तुम लोग क्या करोगे, इधर प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर लेके इधर देखो, इधर कितना बोल रहा है, 50% बोला है। तो प्रोटेक्टर देखो ऐसा दिखता है ना, ये जो प्रोटेक्टर है ये, इसको यहाँ पे जो 50% दिख रहा है ना वो, अभी अगर देखना है तो वो इधर आएगा, इधर के आसपास आएगा ना वो। तो यहां से इधर एक डॉट आएगा, प्रोटेक्टर रखने के बाद ऐसा इधर डॉट मारोगे तो आपको ऐसा दिखेगा 50% पे। फिर यहां से स्केल रखना, यहाँ पे स्केल मतलब स्केल ऐसा लंबा रखना और यहां से पेंसिल लेके ऐसा ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा 50 डिग्री का एंगल। पर अभी हमको क्या बनाना है, एंगल बाय सेक्टर। फिर तुमको क्या करना है, एक जो सुहा जो रहता है और एक जो पेंसिल रहता है ना, ये पेंसिल वाला और इधर ऊपर ऐसा जॉइंट रहता है, तो इसको यहाँ पे रखो, ये सुहा जिसमें सुई है उसको इधर रखो और जिसमें पेंसिल है उसको इधर से ऐसा कट करो। ठीक है, फिर ये कट करने के बाद फिर से इधर रखो, अभी इधर रखने का है, इसको ए बोलो, या नीचे उधर क्वेश्चन में जो दिया बी लिख रहा हूँ, इधर मैं सेम वही लिख रहा हूँ, तो बोलोगे सर ऐसा अलग अलग, तो वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्यू पे रखो ये वाला हिस्सा, फिर यहाँ पे ऐसा कट करो, फिर ये वाला हिस्सा फिर से इधर रखो और फिर इसको कट करो, फिर यहाँ से जो कट हुआ जो लाइन है ये डॉट और ये डॉट, ये डॉट को आपको क्या करना है, मैच मतलब मिलाना है। ये तुम्हारा बन गया एंगल बाय सेक्टर, इसका नाम देना है ओ, सिंपल है काफी हद तक। ठीक है, तो ऐसा करके बनाना है आपको कंस्ट्रक्शन में। तो यही सारी चीजें, अभी देखो इधर 115 बोला है, तो 115 बोला तो मोर देन 190 होगा है ना। तो मैं इधर एक रफ डायग्राम फिर से बनाता हूँ, अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे बनाना है। तो पहला एक ये बनाओ, नीचे वाला बेस लाइन बनाने का, ये बेस लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, ये सेंटर है, इसके ऊपर यहाँ से रखो, तो प्रोटेक्टर तुम्हारा ऐसा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से 115 अगर देखोगे तो ये साइड में होगा, तो इधर उसको डॉट मारो है ना, फिर यहाँ से उसको उसको लाइन मारो इधर तक। ठीक है, फिर इसको ज्वाइंट करो ऐसा, ये तुम्हारा क्या बन गया, 115 की 0 है,
315 का डॉट, ठीक है। फिर यहाँ से भी तुमको, अच्छा रुको, देखो ध्यान दो, पेंसिल लिया अभी। तो पहला यहाँ से ऐसा एक लाइन मारा है, बेस लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इधर प्रोटेक्टर रखना है हमको, इसको आर नाम दिया है, इसको आर नहीं है, ये बी है, सॉरी ये है, ये सी है, ठीक है। अभी हमको इधर प्रोटेक्टर रखना है, सेंटर का जो पार्ट था ना प्रोटेक्टर का, इधर इधर से हमको इधर दिखेगा 115। तो 115 को इधर से और इसको इधर ज्वाइन करने का है, ये स्केल रख के करना है, मैं हाथ से कर रहा हूँ, तुम उसको प्रॉपरली स्केल से ही करना। तो इसको बोलेंगे ए, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, इसको बताना है कि ये कितना है डिग्री 115। फिर तुमको पाई सेक्टर बनाने का ना, तो ये जो मैंने बताया था जो पिछले टाइम पे है ना, जो सुई वाला रहता है, इधर रखो फिर इसको ऐसा कट करो, फिर इधर से रखो सुई, इधर इसको कट करो। तो ये कट होने के बाद जिधर ये सेंटर होता ना ये पार्ट, उसको ये सेंटर, इसके सेंटर से ज्वाइन करो, ठीक है। क्या करोगे, ज्वाइन करो, मैं इसको बना रहा हूँ प्रॉपर, मेरा हाथ हिल रहा है। ठीक है, अभी भी बराबर नहीं बना, तो कब इसको सीधा कर लो। अच्छा सेम इधर सुई वाला हिस्सा रखने का इधर, और यहाँ से खड़ा होकर ऐसा कट करना है, बस यहाँ पे खड़े, यहाँ पे सुई रखना है और यहाँ पे पेंसिल वाला हिस्सा रखने का भाई साहब, ठीक है। चलो अभी इधर आगे क्या है, 115 तो समझो कैसे बनाना तो बना लिया, अभी ये इधर दिया है 80, तो 80 भी वैसे ही बनेगा। तो पहला क्या करना तुमको, पहले एक सिंबल एक लाइन बनाने का, बेस लाइन लिया इसको, ठीक है। और इसको बोलेंगे बी, ये तुमको तो स्केल से बनाना है, तुम्हारा तो सीधा ही आएगा, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, तो थोड़ा बहुत चेक कर लेना, समझ लेना। अब ये सीधा लाइन पे बना, ये 80 है ना। फिर यहाँ पे तुमको सुई रखना है और यहाँ पे पेंसिल वाला से यहाँ से यहाँ तक कट करना है, ये कट होने के बाद फिर से यहाँ पे रखना है। अभी ये जो पॉइंट है पी पे, तो पी पे सुई रखना है और क्यू पे सुई रखना है, तो एक टाइम पे एक ही जगह पे आएगा। तो समझो मैंने क्यू पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद ऐसा कटिंग होगा, फिर यहाँ पे पी पे रखने के बाद फिर यहाँ से ऐसा कट होगा। तो ये जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे कट हुआ, और इसको यहाँ से सीधा लेके जॉइन करने का है। तो ये जो बनेगा ये स्केल से तुमको बनाना है, ये डॉट पे से ही जाना है। अभी तो टेढ़ा हो गया मेरे हाथ से, पर तुम्हारे हाथ से प्रॉपर ही बनना है, तो ये वो प्रॉपर बनेगा, तो ये अच्छा दिखेगा। और सिंगल लाइन ही मारना है, ओवर राइट नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4th है, तो ये आज का भी लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। तो ये 90 डिग्री है, ये तो तुमको आता ही होगा, सिंपल एकदम। पहले बेस लाइन बनाओ, पहले ये बेस लाइन हमेशा ध्यान में रखना है, ये बनाना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या बी, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री तो मेरा लगभग बन जाएगा, थोड़ा बहुत। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे खड़ा रहके मेरे को सुई से लेके, मतलब सुई वाला इधर हिस्सा है और पेंसिल इधर है, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसा कटिंग लिया, ठीक है, ये कट हो गया। तो इधर जो जिधर कटिंग होगा इसको पी और क्यू, मतलब इसको डॉट बोलते हैं, इधर इधर डॉट आता है, ये डॉट है, इधर कट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे फिर से वो जो सुई वाला जो हिस्सा है वो इधर रखना है और पेंसिल वाला हिस्सा इधर रहेगा, तो इसको ऐसा इधर ऐसा कटिंग आया,
फिर से पी पे सी वाला हिस्सा रखना है, फिर पेंसिल वाला कटिंग वाला इधर हिस्सा रखना है, फिर ये जो दिख रहा है डॉट जिधर दोनों इंटरसेक्ट हुआ है दोनों लाइन, फिर ये लाइन को ये लाइन के साथ क्या करना है हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये जो जुड़ेगा तो ये तुम्हारा पॉइंट ओ बन जाएगा, इसको पॉइंट ए बोल देना और इसको पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, ये आपको प्रोटेक्टर रख के स्केल है ना, सुई वाला जो ऊपर मैंने बताया क्या क्या बताया था, ये सब लग के ही बनाना है, बगैर इसके हाथ से बनाना नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कंपास स्केल प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर डिवाइडर तो बस खाली मेजरमेंट चेक करने के लिए यूज होता है, ये भी बता दो, तो बहुत जन का तो पता ही नहीं और टाइम पास करने के लिए करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, चलो बाय। I hope you like the video. Subscribe the button. Press the bell icon. Like, comment, share. Subscribe the button. Press the bell icon. Like, comment, share.